बाइंग हेरिडिटी। तो हेरिडिटी क्या है, वी ऑलरेडी डिस्कस दैट इट इन आवर प्रीवियस वीडियो। द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स आर ट्रेड्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड हेरिडिटी, राइट। तो जो कैरेक्टर्स ट्रांसमिशन है, जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होते हैं, उसको हम बोलते हैं हेरिडिटी। और एग्जांपल्स इसकी कौन कौन सी हैं, अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी इसको डिस्कस किया, इसमें आई कलर आ जाता है, हेयर कलर आ जाता है, दीज आर दी टू एग्जांपल्स ऑफ दी हेरिडिटी। तो इसके अलावा रेस्ट एग्जांपल्स भी आप कोट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट आर हैप्लॉइड सेल्स। हैप्लॉइड सेल्स क्या होते हैं, सेल्स दैट कंटेन सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड हैप्लॉइड सेल्स। के वो सेल्स जिनके अंदर सिंगल सेट होता है क्रोमोसोम्स का, उनको हम बोलते हैं हैप्लॉइड सेल्स, राइट। फॉर एग्जांपल जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, हमारे अंदर जो सेल्स होते हैं ना, जो गैमीट्स होते हैं या जो एग सेल्स होते हैं, वो हैप्लॉइड सेल्स होते हैं, ठीक है। और उनके अंदर क्रोमोसोम्स कितने होते हैं, 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, राइट। तो इसकी जस्ट एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर एक ड्रॉ कर देती हूँ, एक न्यूक्लियस। लेट्स सपोज इफ दिस इज अ न्यूक्लियस, इट कंटेन दीज क्रोमोसोम्स, राइट। एंड अनदर न्यूक्लियस, इट कंटेन राइट। सो दिस न्यूक्लियस विच कंटेन द ग्रेटर नंबर ऑफ क्रोमोसोम, दिस इज डिप्लॉइड, एंड दिस न्यूक्लियस विच कंटेन द हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज द हैप्लॉइड सेल, राइट। इट्स द हैप्लॉइड सेल, राइट। द सेल हैविंग द न्यूक्लियस विच कंटेन हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज नोन एज द हैप्लॉइड सेल, वेयर एज द सेल विच हैज़ द न्यूक्लियस विच कंटेन द डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज नोन एज द डिप्लॉइड सेल, राइट। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई एंड लेबल द फॉलोइंग डायग्राम। सो दिस इज द डायग्राम ऑफ द क्रोमोसोम, यू आर अवेयर अबाउट दिस डायग्राम, एंड हियर इट्स लेबलिंग। द आर्म्स ऑफ द क्रोमोसोम आर नोन एज द क्रोमैटिड्स, एंड द सेंट्रल पॉइंट वेयर द क्रोमैटिड्स आर अटैच्ड इज नोन एज द सेंट्रोमियर। नेक्स्ट, राइट अ नोट ऑन द फॉलोइंग। फर्स्ट वन इज डीएनए। फर्स्ट ऑफ ऑल, डीएनए स्टैंड्स फॉर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, एंड इट इज़ द हेरिडिटी मटीरियल, एंड इट इज़ मेड अप ऑफ टू चेन्स दैट कॉइल अराउंड ईच अदर। इट इज़ प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। हियर यू कैन सी द डायग्राम ऑफ द डीएनए, दीज आर द टू कॉइल्स, राइट। वन इज दिस कॉइल एंड सेकेंड इज दिस, right, these two chains which coil on each other, they form the DNA, okay. Next is the chromosome. Chromosome is thread-like structure found inside the nucleus of the cell. It is made up of protein and DNA. Genes are present on the chromosomes, and chromosome occurs in pair, and number of chromosomes is different in different organisms, right.